स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडिया स्टडी लर्न में। फाइनली इतने दिनों के बाद यूपी स्कॉलरशिप से एक नई अपडेट आई है, जिसमें छूटे हुए 11.55 लाख से अधिक छात्र छात्राएं जो छात्रवृत्ति से वंचित हैं, जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है, सरकार उन सभी छात्र छात्राओं को जो है छात्रवृत्ति देने वाली है। इसके लिए जो सरकार है वो नया बजट भी देगी। क्या है पूरी जानकारी, वीडियो के अंत तक बने रहें, पूरी जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए हुए लाल रंग वाले सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए आपको फटाफट बताते हैं, वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अभी अपने दोस्तों में और अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में भी जरूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी मालूम चल सके। जैसा कि आप लोग देख पा रहे, इस तरीके से जो है बहुत दिनों के बाद जो है यूपी स्कॉलरशिप से एक नई अपडेट आई है, क्योंकि जो छूटे हुए छात्र थे उसको लेकर के कोई भी अपडेट नहीं दिया जा रहा था। फाइनली देख पा रहे, इस न्यूज में यहाँ पे साफ साफ दिया गया कि अनुसूचित जाति के छूटे छात्रों को वजीफे के लिए करना होगा इंतजार, यानी जो छूटे हुए छात्र हैं उनको जो छात्रवृत्ति जो है वो मिलेगी, लेकिन आपको जो इंतजार करना पड़ेगा। स्टेप्स यहां पे देखिए बताया जा रहा है कि अनुसूचित जाति के उन छात्रों को वजीफा के लिए इंतजार करना पड़ेगा जिन्हें अभी भुगतान नहीं हो सका है। अनुपूरक बजट में धनराशि का प्रावधान होने पर ही उनके खाते में रुपये भेजे जा सकेंगे। उसके बाद यहां पे देखिए इस वर्ग के देख पर इस वर्ग के करीब 11.55 लाख छात्रों को अभी तक वाजिफा नहीं मिला है, लेकिन इससे अधिक है, क्योंकि ये जो बता रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति के ही जो है अभी 11.55 लाख जो छात्र हैं वो अभी वाजिफा को, यानी कि छात्रवृत्ति जो उनको नहीं मिल पाई है। उनके बाद बताया गया कि हालांकि 100% पात्र छात्रों को शुल्क की प्रतिपूर्ति हो चुकी है, यानी जिनके मार्क्स थे अच्छे, यानी कि जिनकी फीसदी अच्छी थी, 60% से अधिक 70% थी, जिनका सब चीज हो गया था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, उनको जो है छात्रवृत्ति मिल चुका है। बताया जा रहा है जो यानी कि बचे हुए छात्र जो छूट गए हैं उनके लिए ये दिया गया है कि उन लोगों को भी जो है मिलेगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। समाज कल्याण विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जाति के 13,60,376 विद्यार्थी छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के लिए पात्र पाए गए हैं। इसके लिए कुल यहाँ पे देख पा रहे 2037 देख पा रहे करोड़ रुपये की डिमांड बनी। सभी पात्र छात्रों को शुल्क की भरपाई किए जाने के बाद 2,04,666 छात्रों को छात्रवृत्ति भी दे दी गई है। इस तरह 11.55,710 छात्र वाजिफा नहीं पा सके हैं। हालांकि वर्ष 2019-20 में इस मद में प्रवेश सरकार को 428.87 करोड़ रुपये देने हैं। देख पा रहे सरकार जो है नया बजट देने वाली है, जो देख पा रहे 11.55,710 छात्र वाजिफा नहीं मिल पाया है 2019-20 सेशन के लिए, तो सरकार देखे इस मद में प्रदेश सरकार को 428.87 करोड़ रुपये जो है बजट वो देंगे सरकार, जिसमें इन सभी छात्रों को वाजिफा मिल जाएगा। देख पा रहे, और ये जो दिया जाएगा सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो एक्चुअल में जो छात्रवृत्ति के लिए पात्र है, ठीक है, जिनके कम है उनको नहीं मिल सकेगा, ठीक है। इस टाइप से पहले भी बताया गया कि जिनकी 60% से कम है उनको कोई भी चांसेस नहीं है कि दिया जाएगा, लेकिन ऐसे और भी छात्र हैं जिनके 60% से अधिक है उनको मिल सकता है। समाज कल्याण विभाग का कहना है कि नए वित्त वर्ष में भुगतान के लिए अनुरूप बजट के इस मद में धन की व्यवस्था करनी होगी, इसके बाद ही वित्त विभाग की अनुमति से छात्रों को भुगतान हो सकेगा। पहले जो है बजट के लिए जारी किया जाएगा, उसके बाद जो है समाज कल्याण विभाग को इनकी अनुमति दे दी जाएगी। एक वरिष्ठ अधिकारी के नाम ना छापने के अनुरूप के साथ बताया कि अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए अनुपूरक बजट में राशि का प्रारंभ होने तक इंतजार करना पड़ेगा। तो जैसे ही बजट जारी होगा, यानी कि समाज कल्याण विभाग को जो है आदेश दे दिया जाएगा वितरण करने के लिए, स्टेप से जो आप लोगों को कुछ दिन तक जो है इंतजार करना पड़ेगा। सो इस तरीके से एक अपडेट आई है, देख पा रहे इस तरीके से जो है दिया गया है। यहाँ पे देख पा रहे अनुरूप बजट में प्रावधान होने पर ही खाते में भेजे जा सकेंगे रुपये। तो अभी जो है बजट जारी नहीं किया गया है, ठीक है, जो भी छात्र बचे हुए हैं उनके लिए बजट जारी करेगी सरकार। इस तरीके से एक अच्छी न्यूज है आप लोगों के लिए जो छूटे हुए छात्र हैं, क्योंकि बहुत ऐसे छात्र हैं जिनकी 70% है, 60% अधिक है, फिर भी उनको छात्रवृत्ति जो है नहीं मिल पाई है। तो इस तरीके से आप लोगों तक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट मिलती है इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को जरूर सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सो चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा के रखें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।